आई एम निगार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी। तो मेरा टॉपिक आज वर्ब है और हम वर्ब का बेसिक पहले जानेंगे, फिर वर्ब के जो एरर आती है एग्जाम पॉइंट के तौर से उसको देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी से देखते हैं वर्ब। तो वर्ब दो प्रकार की होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन एवं टेंस के अनुसार बदलती रहे। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब वो है जिस पर ना तो सेंटेंस का कोई इफेक्ट होता है, ना ही सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर का कोई इफेक्ट होता है। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब ना तो पर्सन के अकॉर्डिंग बदलती है और ना ही टेंस के अनुसार बदलती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में इंफिनिटिव और पार्टिसिपल और जीरंड आता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम फाइनाइट वर्ब की ओर चलते हैं। तो ही गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल। ये हमने चार सेंटेंस लिखे हैं आपको फाइनाइट वर्ब समझाने के लिए कि फाइनाइट वर्ब कैसे टेंस के अनुसार बदलती है और सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार बदलती है। तो देखिए ही क्या है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही गोज टू स्कूल। अब ये ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए ही के साथ गोज आया है। वहीं पर दूसरा सेंटेंस है दे गो टू स्कूल, दे क्या है? दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब क्या आई है? गो आई है। यहाँ पर गोज आया है ही के अकॉर्डिंग और दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर गो आया है, जबकि टेंस दोनों का एक ही है। और यहाँ पर टेंस का देखिए, टेंस के अनुसार देखिए ये वर्ब बदल गई है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पर टेंस के अनुसार बदली है और यहाँ पर इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदली है, सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार। यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब जब बदलती है प्लस टेंस के अनुसार जब बदलती है तो उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ही गोज टू स्कूल देखा, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर गोज हो गया, वहीं पर दे के अनुसार यहाँ गो आ गई, वहीं पर जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर गोइंग आ गया और यहाँ पर हैव गॉन आ गया। तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब टेंस के अनुसार बदलती है, साथ साथ में सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर के अनुसार बदलती रहती है, वही फाइनाइट वर्ब है। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती, ना ही टेंस के अनुसार और ना ही सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर के अनुसार। तो चलिए अब एग्जाम पॉइंट में जो एरर आती है अब उन्हीं से हम सेंटेंस देखेंगे। तो मेरा पहला रूल है एवरीवन समवन नोबडी एवरीबॉडी समबडी नोवन ईच वन। जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं तो ये कैसी वर्ब लेते हैं? ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, यानी एवरीवन समवन नोबडी एवरीबॉडी, ये क्या है? ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है मेरा एवरीवन आर प्लेइंग। अब जब एवरीवन से जब सेंटेंस शुरू होता है तो वो क्या लेता है? अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि एवरीवन एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एवरीवन सिंगुलर होता है। एवरीवन हो चाहे समवन हो चाहे नोबडी हो या एवरीबॉडी हो या ईच वन हो, ये सब अपने साथ क्या लेंगे? अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी ही वर्ब आती है। वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो एवरीवन आर प्लेइंग ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आएगी सिंगुलर, क्योंकि एवरीवन एक सिंगुलर होता है, एवरीवन इज प्लेइंग। अब ये सेंटेंस सही हुआ। वहीं पर दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, नो वन वेयर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए नो वन क्या है? नो वन एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, नो वन क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वेयर है, अब यहाँ पर आएगा वाज। अब ये सेंटेंस सही हुआ, नो वन वाज गोइंग टू स्कूल। वहीं पर तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं, एवरीबॉडी हैव ए बुक, एवरीबॉडी हैव ए बुक। एवरीबॉडी क्या होता है? सिंगुलर होता है और ये अपने साथ कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर हैव ना आकर क्या आएगा? हैज आएगा, एवरीबॉडी हैज ए बुक। अब हम चौथे सेंटेंस की बात करते हैं, समवन वेयर देयर।
Someone क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। Someone अपने साथ कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए यहाँ पर was आएगा। Someone was there। अब ये सेंटेंस सही हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब everyone आ जाए, someone आ जाए, nobody आ जाए, everybody आ जाए, या each one आ जाए, या each या क्या नाम somebody आ जाए, तो क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि ये सब सिंगुलर होते हैं। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे रूल के तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं, दूसरा रूल है मेरा, व्हेन टू आर मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, रादर देन, नो लेस देन, द वर्ब इज यूज टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जब जब लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, विद आ जाए, टूगेदर विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, एंड नॉट आ जाए, रादर देन आ जाए, और नो लेस देन आ जाए, जब इनसे दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वर्ब कैसी आती है? वर्ब आती है फर्स्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहला सेंटेंस है, द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर डांसर्स वेयर ऑनर्ड बाय द पब्लिक। तो और दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा सेंटेंस है, द बाइक टू के तरफ द बॉक्सेस आर न्यू। तो दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस यानी पहला सब्जेक्ट है द डायरेक्टर और दूसरा सब्जेक्ट है द डांसर। द डायरेक्टर और द डांसर से एज वेल एज इन दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किए हैं, यानी एज वेल एज से द डायरेक्टर और द डांसर कनेक्ट है। अब जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वर्ब कैसे किस सब्जेक्ट के अनुसार आती है? वर्ब आती है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। तो डायरेक्टर क्या है? द डायरेक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जबकि यहाँ पर वर्ब कैसी आई है? वर्ब आई है टू वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब सेकंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आई है, जबकि जब एज विल आई से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो यहाँ पर वेयर की जगह क्या होगा? वाज होगा। अब यह सेंटेंस सही हुआ। वहीं पर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द बैग टूगेदर विद द बॉक्सेस आर न्यू। अब देखिए, द बैग हो गया और वहीं पर द बॉक्सेस हो गया, दो सब्जेक्ट हो गए और दो सब्जेक्ट से कनेक्ट है क्या? टूगेदर विद से, दो सब्जेक्ट टूगेदर विद से कनेक्ट है। और जब टूगेदर विद दो सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है तो वर्ब कैसी आती है? वर्ब आती है फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा क्या है? द बैग है, और द बैग कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ पर वर्ब कैसी आई है? वर्ब यहाँ पर प्लूरल आई है। तो बैग के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगी? वर्ब यहाँ पर आएगी सिंगुलर, यानी यहाँ पर इज होगा। अब ये सेंटेंस सही हुआ। अब हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं, राम एंड नॉट हिज चिल्ड्रेन एंड नॉट हिज चिल्ड्रेन was sorry were committed suicide। Ram and not his children was taken to hospital। तो राम एंड नॉट हिज चिल्ड्रेन वॉज टेकन टू
हॉस्पिटल। तो देखिए एक सब्जेक्ट राम हो गया और दूसरा सब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रेन। दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया? हिज चिल्ड्रेन। और वर्ब यहां पर कैसी आई है? वर्ब यहां पर क्या आई है? वर्ब यहां पर प्लुरल आई है। वर्ब यहां पर कैसी आई है? प्लुरल आई है। जबकि जब हमारा दो सब्जेक्ट एंड नॉट से, टूगेदर विद से, अलोंग विद से, इन एडिशन टू से, टूगेदर विद से, एज वेल एज से कनेक्ट होती है तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट राम और हिज चिल्ड्रेन एंड नॉट से कनेक्ट हैं और जब एंड नॉट से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होता है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जबकि यहाँ पर कैसी वर्ब आई है? यहाँ पर वर्ब प्लुरल आई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर वास कर लेंगे। अब ये सेंटेंस सही हुआ। तो ये जितने भी वर्ड हैं यहाँ पर दिए हुए हैं ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। अब हमने आपको तीन सेंटेंस करके दिखा दिए हैं। इसी रूल पर ये क्या नाम है वर्ब आएगी। जितने भी ये वर्ड दिए हुए हैं बिसाइड्स, अनलाइक, इन एडिशन टू, विद, टूगेदर विद, जब दो सेंटेंस सॉरी जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं एक रूल और। वहीं पर तीसरा रूल है मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। जब मोर देन वन आ जाता है तो नाउन भी सिंगुलर रहता है और वर्ब भी सिंगुलर रहती है। वहीं पर मोर प्लस प्लुरल नाउन प्लस देन वन, यानी जब मोर आता है उसके बाद में अगर प्लुरल नाउन आ गया और उसके बाद में देन वन आता है तो प्लुरल नाउन भी आता है, साथ साथ में प्लुरल वर्ब आती है। तो सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं मोर मेन देन वन। अब देखिए मोर आया है, मोर के बाद क्या आएगा? मोर के बाद प्लुरल नाउन आना चाहिए, तो प्लुरल नाउन आया है, फिर देन वन आया है। तो जब मोर प्लस प्लुरल नाउन प्लस देन वन आएगा तो नाउन भी प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल होगी। तो देखिए मोर मेन, मोर के बाद नाउन तो प्लुरल है और यहाँ पर वर्ब भी कैसी होगी? प्लुरल होगी। जबकि यहाँ पर कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर क्या होगा? वेयर होगा। मोर मेन देन वन वेयर एब्सेंट। अब पहले रूल की बात करते हैं मोर देन वन। मोर देन वन जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। तो दूसरा सेंटेंस मेरा है मोर देन वन, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए। मोर देन वन मैन वाज एब्सेंट, मोर देन वन मैन वाज एब्सेंट। तो देखिए मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन भी आया है, सिंगुलर वर्ब भी आई है। तो ये सेंटेंस कैसा है? सही है, मोर देन वन मैन वाज एब्सेंट। तो ये रूल दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस दोनों रूल से क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इनको रट लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और साथ साथ में जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।